करनाल के गांव झिंझाड़ी स्थित जीटी रोड पर करनाल मिल्क फूड फैक्ट्री के बिल्कुल निकट एक पेट्रोल पंप पर आधी रात के बाद कुछ युवकों ने एक पेट्रोल कर्मी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में दादूपुर का रहने वाला राहुल बुरी तरह से घायल हो गया। उसे करनाल के न्यू अपोलो अस्पताल में दाखिल करवाया गया। राहुल के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं तथा हमले के बाद वह काफी सहमा हुआ भी है। यह घटना दो दिन पहले की है। बताया जा रहा है कि जीटी रोड के निकट काला ऑटो पेट्रोल पंप पर आधी रात के बाद दादूपुर का राहुल ड्यूटी पर था। अचानक एक महंगी कार में कुछ युवक सवार होकर आए और उन्होंने करीब 3,000 रुपये का डीजल डलवा लिया। जिस कार में डीजल डलवाया गया वह कार भी करनाल की बताई जा रही है, क्योंकि उस पर करनाल का नंबर अंकित था। जैसे ही पेट्रोल कर्मी राहुल ने डीजल के पैसे मांगे तो युवकों ने कहा कि वह पेटीएम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पेट्रोल कर्मियों को मोबाइल से दिखाया कि उन्होंने पेमेंट कर दी है, लेकिन जब राहुल ने चेक किया तो पेमेंट नहीं आई थी। जब राहुल ने दोबारा से पैसे मांगे तो अचानक युवक उग्र हो गए और उन्होंने लाठी डंडों व अन्य हथियारों से राहुल पर हमला बोल दिया। हमले के बाद राहुल लहूलुहान हो गया। इसी बीच हमलावर वहां से फरार हो गए। इस हमले की सूचना पुलिस को दी गई। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने जांच के बाद कुछ युवकों को काबू भी किया। पुलिस में शिकायत कर दी गई, लेकिन अब गंभीर रूप से घायल पेट्रोल कर्मी के परिवार पर समझौते का दबाव डाला जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि कुछ दिनों से करनाल के पेट्रोल पंपों पर लूटपाट और हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि पिछले दिनों भी एक पेट्रोल पंप पर तैनात पेट्रोल कर्मी पर फायर किया गया था। किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। देखिए इस हमले के बाद पेट्रोल कर्मी और उसका परिवार किस कदर सहमा हुआ है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राहुल। क्या वारदात हो गई थी? सर, डीजल पेट्रोल डलवाया था। डीजल पेट्रोल डलवाने के बाद में कोशिश कर रहे थे भागने की। पहले भी दो तीन दो लोग थे। ब्लैक कलर की सीसी गाड़ी थी, एक्सयूवी गाड़ी थी, करनाल नंबर था। रात की घटना है, 3:30-4 बजे की। पहले भी ऐसी वारदात हुई थी, यही थे मेरे को पता। ओके, मेरे को नहीं पता इन्होंने उस नकुली चीज़ ऐसी मारी सिर में, जिससे कि डीजल डलवाने आए थे। हाँ, डीजल तो 3,000 का डलवाया था। ये बोल रहे कि पेटीएम कर दिया था, हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया था। मैंने बोला इनको, भाई साइड में खड़ी कर लो गाड़ी, मैं इधर आया इतनी बार में। इन्होंने बर्चा पता नहीं क्या था क्या नहीं लट था, मेरे को दो तीन बार किया। मैं पड़ गया, बेहोश हो गया, तो सिर में मैं पड़ गया। बाकी जो LCV ड्राइवर थे, जो CNG के गाड़ी के ड्राइवर थे, उन्होंने मेरे को बचाया, इनको पकड़ा, दबोचक। पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस कोई नहीं आया जी। एक बार उठा के जरूर ले गई थी इनको, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं थी इसके बाद जी। ठीक सर, मैं गरीब आदमी क्या करूँगा जी। सर, आप राहुल के भाई हो क्या? हाँ जी, भाई हूँ, छोटा भाई हूँ जी इसका। हाँ जी, तो कैसे घटना हुई थी, आपको कब पता लगा? सर, मैं रात को सो रहा था, परसों रात की बात है, तो करीब चार बजे के आसपास इसका फ़ोन आया। तो काफ़ी सारे फ़ोन आए हुए थे, नींद में तो पता नहीं चला। तो जब मेरे को पता चला तो मैंने फ़ोन उठाया इसका, तो ये रो रहा था। तो इसे तो फिर बेहोश था, फिर जब मैं गया ये रो रहा था, इसके फ़ोन से फ़ोन आया, तो जो पंप के सेल्समैन है उन्होंने फ़ोन किया था। मैं वहाँ पे गया तो इसका जो इन्हें मफलर ले रखा था वो खून में लथपथ, और ये भी। तो मैं जब वहाँ पे गया तो जब पता चला मेरे को ऐसे ऐसे वारदात हुई है, और काले रंग के ब्लैक शीशे थे उसके गाड़ी के, XUV 500 थी सर, टॉप मॉडल गाड़ी थी वो। तो जब वहाँ पे जाने के बाद पता चला, उनको तो पुलिस वाले लेकर चले गए थे। तो अब शिकायत आपकी तरफ से दर्ज की गई? शिकायत तो, हाँ सर, वो तो उस परसों रात को ही कंप्लेंट हो गई थी। किसकी कंप्लेंट? आपने की थी कंप्लेंट? नहीं, उन्होंने की होगी सर, वहाँ पंप वालों ने। हाँ जी, पंप वाले। हाँ जी, हम गए थे FIR दर्ज कराने, तो वहाँ पे पता चला कंप्लेंट तो हो गई थी पहले ही रात को ही। पैसे पूछे तो वो दे नहीं गए, मार मुड़ के तो मतलब पुलिस वाले ले गए थे उनको। तो अब उनके घर वाले दबाव बना रहे हैं हमारे ऊपर, पैसे ले दे के, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़
कभी किसी का फ़ोन करा, कभी कह रहे हैं समझौता कर लो, फिर कभी कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरे को निसाब चाहिए तक क्या क्या आगे ऐसे कोई वारदात ना हो हमारे पंप पे, या कोई भी पंप हो हमारा, क्या हमारा कोई भी पंप हो, कोई भी किसी के पंप पे वारदात ना हो ऐसी दोबारा। ठीक है, ये सर वो खून है जो उन्होंने मेरे को मारा था, जो ये वो खून का परना है जो जिसने मेरे को मारा था। मैंने इसका सर बांध रखा था अपना इसके ऊपर से, 16 टांके अभी भी मौजूद है, ये आँख पे 4 टांके अभी भी मौजूद है। पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ उस टाइम तो ले गई थी सर, अब तो बाहर है वो, इसको पता होगा सर बाहर है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दबाव बना रहे हैं पैसे दे के, पर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना सर। क्या नाम है आपके? हम दादूपुर से हैं सर। हाँ जी, बाय नियर करनाल हवेली, वो दादूपुर। हाँ जी, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।